गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज माई टॉपिक इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन गोइंग, स्टिल गोइंग ऑन. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एक्सप्रेस होता है एक्शन कि वो चल रहा होता है, ऑन गोइंग ऑन होता है. इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम देख सकते हैं जो इसमें आएगा. टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैसे हो, इसके जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर जो इंडेफिनेट टेंस में पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव ऐसे होते हैं, इसलिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव टेंस की. अब पॉजिटिव टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है देखिए. जो इसके रूल होंगे वो कैसे होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसके अंदर क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की वो होता है रहा है, रहे हैं, रही है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें लगता है प्लस ऑब्जेक्ट. अब इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज और आर और एम इज यूज टू इन सेंटेंस एंड आईएनजी इज एडेड विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. अब इसमें क्या लगेगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हमारा इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें हम देख सकते हैं पर्सन के हिसाब से डिवाइडेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें हेडिंग डालेंगे पहली पर्सन, सब्जेक्ट, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा. अब इसमें देखेंगे हम फर्स्ट पर्सन का जैसे होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हमारा जैसे आया है आई, एग्जांपल देख सकते हैं आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. अभी सेंटेंस के हम देख सकते हैं ये कैसे बना, मैं एक गाना गा रही हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आई इज आर एम, एम आई के साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ एम लगाते हैं आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगा देंगे सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. अब इसी तरह सेकेंड पर्सन में हमारा क्या काउंट होता है, यू 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 के साथ हम क्या लगाते हैं आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा. अब सेकंड पर्सन में अगर हमारा यू आया है, सेकंड पर्सन हमारा यू होता है और यू के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा आर, तो हमारा बनेगा यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा रही हो. तो इसमें यू सब्जेक्ट हमारा इज, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद इज आर एम में से यू के साथ हम आर लगाएंगे क्योंकि सेकंड पर्सन है तो आर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो सिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म है उसमें प्लस आई एन जी सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग. अब इसी तरह हमारा थर्ड पर्सन आता है, अगर थर्ड पर्सन हमारा होता है ही शी इट या कोई भी नाम हो सकता है, और ही शी इट इन सबके साथ हम क्या लगाते हैं इज, ठीक है. हमारा थर्ड पर्सन जो होगा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हमारा थर्ड पर्सन जो हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट वह या वह गाना गा रही है, वह गाना गा रहा है या कुछ भी, या राम गाना गा रहा है तो आ जाएगा राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा पूरा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है.